देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद काटजू रोड के पूरे इलाके को देर रात एहतियातन बंद कर दिया गया है। इस इलाके में किसी के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। केवल पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी और डोर टू डोर सर्विस को ही एंट्री दी जाएगी। गौरतलब है कि डॉक्टर काटजू रोड के अब्दुल्ला मस्जिद में तबलीगी जमात में इंडोनेशियाई के लोग शामिल हुए थे और यहां आकर बिना बताए रुके थे। प्रशासन की सूचना पर इनको क्वारंटाइन किया गया, जिनमें से 9 लोगों समेत 37 लोगों को जांच की रिपोर्ट भेजी गई, जिनमें से एक इंडोनेशियाई युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद मस्जिद के बगल में रहने वाले कांग्रेस के सभासद को परिवार के संग होम क्वारंटाइन किया था। अब प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है और किसी भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब पूरे इलाके को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। इसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मौके पर पुलिस के अधिकारी और जवान मुस्तैद रहे। एक सभासद हैं, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। क्या वजह है और क्या उनके होटल को भी नोटिस चस्पा किया गया है? देखिए, ये यहाँ उनके सभासद हैं चौक क्षेत्र के, और इनके पास ही जो एक अब्दुल्ला मस्जिद है, वहाँ से अभी कुछ दिनों पहले 7 इंडोनेशियाई और 2 यहीं के, एक वेस्ट बंगाल और केरल का व्यक्ति मिला थे, जो मरकज से आए थे, और उसमें से एक चूँकि पॉजिटिव आ गए हैं, इसलिए वहाँ आसपास के लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके क्वारंटीन किया है। चूँकि ये स्थानीय सभासद होने के कारण इनका मस्जिद में जाना पाया गया था और रेगुलर जाते थे, इसलिए किसी भी संक्रमण की संभावना को देखते हुए इनके होम क्वारंटीन किया गया है। इनके घर पे ही एक होटल है, होटल तो ऑलरेडी बंद चल रहा है लॉकडाउन के चलते, लेकिन वहाँ नोटिस दी गई है और वहाँ पूरी प्रकार से सभी प्रकार से गतिविधियों को बंद किया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब